मिलके करते हैं फिर। टिकटॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चमड़ी है काली या गोरी, चाहे आपके बाल झाड़ू और ब्रूम, या वो बाल आपके शकला का बूम बूम, चाहे आप छोटे या मोटे, लाइक्स आपको मांगने हैं चाहे आप हंसते हैं या रोते। तो आइए समझते हैं क्या है ये टिकटॉक के चौदे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी बंदी ने आपको छोड़ा है तो आप उसका गुस्सा उतारने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अगर आपकी माँ ने आपकी जमकर सुताई करी है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। या फिर आपकी टीचर ने आपकी सबके सामने खड़ी करके ली है, उसका गुस्सा उतारने के लिए भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। या फिर लॉकडाउन में पुलिस वालों ने मारे हैं आपको चूतड़ पे काफी डंडे, तब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आपके शरीर पे है चाहे है आप नंगे, फिर भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। चाहे है आपका काला या गोरा, फिर भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं आपको तीन चीजें ऐसी बताना चाहूंगा। नंबर वन, आपको अपनी पब्लिक से लाइक बिल्कुल भिखारियों की तरह मांगने हैं। दूसरा, आपको बनाने हैं शकला का बूम बूम वाले बाल। तीसरा, आपको खाकर आने हैं किसी डंडे, क्योंकि इस ऐप पे आपको दिखाना है अपने चेहरे पे गम। जानते हैं इस फैलती हुई महामारी के बारे में, जिसने चाइना को दे दिया इतना पैसा कि वहाँ खत्म हो गई है कोरोना वायरस की बीमारी और इंडिया में फैला दिया टिकटॉक की महामारी। तो काफी बेइज्जती करती है कैरी मिनाटी भाई रेन टिकटॉकर्स की, तो कैरी भाई ने इनकी कर दी है काफी बेइज्जती। तो गाइस हुआ क्या है कि अभी भी कुछ टिकटॉकर्स हैं जो अपने आप को बदमाश समझ रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिकटॉकर्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने कैरी भाई को गलत बोला, कैरी भाई के बारे में रिप्लाई करा। तो ये कैरी भाई के सपोर्ट में वीडियो है, तो चलिए गाइस मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं अपनी वीडियो में। इनका एटीट्यूड तो देखिए जरा एक बार। तो गाइस वैसे तो इन टिकटॉकर्स की जो इज्जत है वो कैरी भाई ने उतार के अलग जगह पे अलमारी में रख दी है, मगर फिर भी कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अबे कैरी मिनाटी, चूनी पुरानी गाली देके तू अपने आप को शाना समझ रहा है? अबे तेरी पुरानी सब वीडियो देखा मैंने साले, किसमें भी तूने ना ये टिकटॉक का नाम लेके जितनी देखो लाइक आई उतनी लाइक और व्यू कोई भी वीडियो में नहीं है तेरी। तो आपने जरूर देखा होगा इस इंसान को कितने जिगरे के साथ ये यूट्यूबर्स को चैलेंज कर रहा है। लग रहा है इसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं। मेरा ना पट्टेगा कहाँ को चला गया समझ रहा, इसलिए झाको उड़ रहा दिखता है। नीचे को आ जा जमीन में, तले को आ जा, इतना नोड़े करते बेटे। अच्छा उन्दे गाड़ी निकालो जरा, क्राइम पेट्रोल की दस्तक देनी है एक लौंडे के घर पे। प्लीज यूट्यूब पे ऐसा फालतू वाली वीडियो मत बनाओ। आई रिस्पेक्ट ऑल यूट्यूबर्स और सॉरी मैंने कल कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया था। यूट्यूब का जमाना कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा। बोला ना दूर है पट में, बोला ना बस तुम्हारे भी लग जाएंगे भैया। सब्सक्राइब नहीं करोगे फटाफट तोड़ दो सब्सक्राइब के बटन को भी, अगर चाहिए आगे फन ऐसा ही। और जो पहली वीडियो टिकटॉकर बना लिया वो भी जाकर फटाफट देखो और फटाफट कमेंट करो। और जो ये लाल कलर का बटन तुम्हें दिख रहा ना, इसको इसकी गल कुश्ती लड़ दो बिल्कुल, इसे तोड़ दो, इसे भैड़ करके तोड़ दो, इसे समझ लो भैड़ करके, बिल्कुल कतई नष्ट हो जावे यू बेटे। इसलिए कह रहा था छिदाई से पहले मान जा। आ गया ना देख लाइन पे। सुअर सी है शक्ल तेरी, हाथी के चूतड़ जैसा बदन तेरा। सुअर सी है शक्ल तेरी, हाथी के चूतड़ जैसा बदन तेरा। एक की तो लेटा लेटा कर ली है, क्या तुझे भी चाहिए मेरा? तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। इस इंसान की शक्ल देखो कैसी सी शक्ल है इसकी, भैड़ी सी और बातें इसकी एकदम लहरी लहरी सी। मेरे तो कुछ समझ आई नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखो एक बार और बताओ मुझे। ऐसे किसी की बुराई करके रोस्ट नहीं होता। रोस्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव करना, ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करना विद फनी वे। ऐसा नहीं कि किसी का वीडियो उठाया उसकी बुराई दो कर दी हो गया वो रोस्ट, वैसे रोस्ट नहीं होता बेटा, उसे फनी बनाना होता है, थोड़ा मजा भी तो आना। ट्रांसफॉर्मेटिव करना, ट्रांसफॉर्मेटिव, अबे छठी फेल बालक ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब पता है तेरे को? भैया मुझे तो भाई बेरे में ना आ रहा भैया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या चलता भैया? तुम कुछ भी हुआ बोलते रहे, हो गया भैया मेरे बेरे में तना तुम्हारी बात थी। अबे बकचोदी से भरी बातें तेरी, स्वाद है तेरा मीठा। बकचोदी से भरी बातें तेरी,
स्वाद है तेरा मीठा, यूट्यूबर्स हैं बाप लोग, अब तू हमको मत सीखा। फनी कैसे कैसे है भैया, फनी करो। अबे भाई अभी इतनी ली है तुमको, क्या चैन नहीं पड़ रही है क्या? हलवाई की दुकान पे ले जाऊंगा 200 रुपए में बिक जाएगा, दवाई की दुकान में ले जाऊंगा झेड़ समझ के फ्री में बिक जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले खचरे की तरफ, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी से। और ये कहना चाह रहा है कि कैरी भाई ने जो एक वीडियो डाली है गधे की, जिन्हें मिल चुका है पॉपुलर क्रिएटर, और ये कहना चाह रहा है कि ये पॉपुलर क्रिएटर नहीं है, ये है वेरीफाई अकाउंट। तो भाइयों कई लोग कह रहे हैं कि कैरी मिनाती ने एक कंटेंट डाला है, वो भी गधे का, और उसको पॉपुलर क्रिएटर भी मिल चुका है। तो भाइयों वो पॉपुलर क्रिएटर का बैज नहीं है, वो एक वेरीफाई अकाउंट का बैज है जो अपनी डिटेल देने पर हमें मिलता है। वरना टिकटॉक इतना पागल नहीं है जो किसी गधे को भी पॉपुलर, किसी गधे को भी। तो भाई इससे ये तो क्लियर हो गया कि तुम किसी गधे से कम नहीं हो। और कैरी भाई ने जो वहाँ पे गधे की वीडियो डाली है वो कोई पैसा कमाने के लिए या कोई पॉपुलर क्रिएटर लेने के लिए नहीं, तुम जैसे लोगों को गधा बताने के लिए डाली है, जो कि तुमने खुद प्रूव कर दिया कि तुम लोग गधे हो। करके बकचोदी करने के मतलब कोई बनता नहीं है। यूट्यूब और टिकटॉक की जंग में कैरी भाई ने बाजी मार ली, यूट्यूब और टिकटॉक की जंग में कैरी भाई ने बाजी मार ली। कैरी भाई तुमने तो बिना तेल के मार ली। पे आ जा, वो जो मजदूरी करता था तू 250 रुपए लेबर के हिसाब से, उसी काम पे आ जा, तेरे पे वही काम सही लग रहा है, तू ये ज्यादा मत लेना बोले। एक बार आमिर सिद्दीकी भाई का भी जरिया जान लेते हैं हमारे बारे में क्या है। सो गाइस दिस इज अ वेरी सीरियस वीडियो। गाइस मतलब क्या है, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? व्यूज के लिए। क्या मिल रहा है तुम लोग को ये सब करके? सा मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके लिए मैं आके ये चीजें ना वीडियो में बोल रहा हूँ। मैंने कभी तुम लोग के बारे में किसी को कुछ बोला या कभी कुछ बोला? तेरे बात तो मेरा समझ में ना आती भाई, कल को तू बोल रहा था लाफा मारूंगा, अब तू बोल रहा मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है। भैया कैसे करेगा? यूट्यूबर्स है शेर, टिकटॉकर्स आते हैं कुत्ते के झुंड में। यूट्यूबर्स है खुद में शेर, टिकटॉकर आते हैं कुत्ते के झुंड में। भाई अभी भी चैन नहीं पड़ा क्या? जब दे दिया कैरी भाई ने उड़ता तीर तेरी बुंड। भाई रिवॉल्वर रानी जिन्होंने पहले अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी कि उन्हें एक ट्रांजिशन करने में लगते हैं 4 घंटे, तो भाई पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हें ये बकचोदी करने में 4 घंटे कैसे लगते हैं? भाई कैसे लगते हैं तुम्हें 4 घंटे यू करके कपड़े बदलने में? यू क्या होता है भैया? क्या होता है क्या होता है भैया? तो भाई माना कि बिड्डी सिगरेट महंगी हो रही दिखा, मगर यू अगरबत्ती फूकने की क्या जरूरत है भाई? टिकटॉक ने इतना पैसा ना दिया कि तेरे को तू सिगरेट फूक सका है? हमारी लूंडियान को एक बीड़ी पिला दी जरा। तो भाई ये जब मेरे सामने आया था ना टिकटॉक पे, माँ कसम इस कलेजे में ऐसी चोट लगती है, बुद्धि फ्यूज हो जाती है मेरी तो, बुद्धि पता नहीं क्या है, है क्या ये? एक हफ्ते से पक गया हूँ, छोले चावल राजमा चावल। भाई घोड़े की टट्टी खा ले डाली हो लॉकडाउन में, अगर तुझे तो राजमा छोले अच्छे नहीं लग रहे तो भैया और कोई उपाय ना है हमारे पास। बहन ये हलवा कितना मीठा है, इसके आगे तो मैं भी फेल हूँ। अबे तो तेरे हलवे में मूत देवे क्या फीका करने के लिए से? भैया हलवा तो मिठाई हो है। जब सिंगल ही रखना था तो इतना सेक्सी क्यों बनाया भाई? अबे भैया घर बैठ जा, कॉलोनी के लोंडे कंप्लेंट कर देंगे, पुलिस वाले मार मार के डबल कर देंगे तेरे को, सिंगल से बता रहा हूँ तुझे, घर बैठ जा। ये यू हाथ से आवाज कैसा निकाल रहा दिखे? माना कि भाई टिकटॉक पे लिपसिंग करनी होती है, लेकिन तेरा तो भाई साउंड को भी ना छोड़ा, यूं यहाँ से निकालता बात तो फिर एक बार को समझ में आती, यूं कैसे निकले भाई? इंस्ट्रूमेंट तो मैं भी बजाऊं भाई, आज तक तो ऐसा ना दिखा मैंने कभी ना देखा भाई।
नू आज तू हाथ से हारमोनिका बजा रहा दिखे, कल तू गान से तबला बजाता दिखे हो। भैया मेरे बस की ना भाई टिकटॉक विकटॉक देखना, भैया मैं तो आज यार इंस्टॉल कर रहा देखूँ। साफ सीधी बात भैया मैंने चलाया, भैया गलती हो गई भैया, माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो गलती हो गई भैया। भैया ये टिकटॉक वाले भैया, ये टिकटॉक वाले भैया लाइक वाइक ना चाहिए भैया, ऐसी वीडियो मत लाया कर मेरे पूरी उम्र भैया, मेरे माफ कर दो भैया। हे फैम व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब, मैं अपना YouTube चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। तो फैजू भाई ने भी डिसाइड कर लिया है, उन्होंने भी YouTube को बाप मानते हुए, YouTube को बाप मानते हुए TikTok का खुद YouTube पे आने का फैसला लिया है। होप गाइस आपको मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, मेरा किसी को भी कोई ठेस पहुंचाने का मोटिव नहीं था, बस मैंने ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई थी। और देखिए गाइस किसी को भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, अगर तुम पहले बुरा नहीं बोलोगे तो हम भी बुरा नहीं बोलेंगे, इसलिए भाई सुधर जाओ, सब बराबर हैं, सब बढ़िया हैं, अपना अपना बढ़िया कंटेंट बनाओ, बस कॉपी मत करो किसी की, मेरा तो कहना यही है। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, बस मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन में कर रहा हूँ गाइस, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे भी अपने अपडेट्स देता रहता हूँ, और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा आपके लिए सारे अपडेट्स नहीं पाएंगे, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें फटाफट। होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो, तो गाइस मिलते हैं, जय हिंद।